3D शो पहली बार देख लीजिए, 3D शो फर्स्ट टाइम इन योर सिटी। तो फोटो सेल्फी यहीं पर खड़े होकर आप लोग ऊपर ले सकते हैं। डिज्नीलैंड आप लोग आने का सोच रहे हैं तो 6 बजे के बाद ही आइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं जय, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, पटना पाटलिपुत्र ग्राउंड में लग चुका है डिज्नीलैंड, तो उसी को स्लो करने वाला है। तो लास्ट तक ब्लॉग में रहिए, चलिए अंदर लेके चलते हैं। प्राइस वगैरह, टिकट वगैरह सब कुछ आपको चार्ज बताने वाला है। तो इधर दोस्तों कार का पार्किंग आगे बाइक स्कूटी का है, बाइक स्कूटी का 20 रुपये लगने वाला है। कार का जितना भी बड़ा कोई भी गाड़ी हो आपको 50 रुपये लगने वाला है। एक बार 50 रुपये दीजिए जितना देर अंदर रहना रहिए, और अंदर जाने का 20 रुपये टिकट का चार्ज है। देख लीजिए अभी तक जितना डिज्नीलैंड लगा है बाहर का काफी खूबसूरत लग रहा है। तो बच्चों का टिकट दोस्तों 3 साल से कम का नहीं लगेगा, बाकी 3 साल के ऊपर का लगेगा तो 20 रुपये चार्ज लगेगा। कोई भी है सबका 20 रुपये चार्ज लगने वाले हैं, छोटे बड़े कोई का भी। तो अभी दोस्तों अंदर आ चुके हैं, अंदर लेके आप लोग जा रहे हैं। काफी खूबसूरत बनाया गया है गेट एंट्री, 20 रुपये को चार्ज लगने वाला है। पूरा लास्ट तक ब्लॉग में बनेंगे, पूरा झूला का प्राइस पता करेंगे। आज संडे है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा ब्रिज के ऊपर जैसे चल रहे वैसा आपको दिखने वाला है। देख लीजिए पहली बार ऐसा पटना में आप लोग देखे हो, काफी खूबसूरत है। फोटो सेल्फी यहीं पर खड़े होकर आप लोग ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, टावर क्या खूबसूरत ब्रिज बना हुआ, आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ का है। मैं तो नहीं बताने वाला, मैं जानता हूँ क्योंकि पटना में इसके पहले भी जब डिज़ाइन लगा तो यही ब्रिज था, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं था। बाकी यहाँ से अभी आज से स्टार्टिंग हुआ है, तो यहाँ से अभी सब कुछ लगना बाकी है। धीरे धीरे बहुत सारा आपको स्टोर दिखेगा, चूड़ी वगैरह देखिए स्टोर लग रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पर स्टोर लगते जाएगा। किताब का भी लग गया है पटना बिहार, और आगे सब लग रहा है, अभी खाली खाली है देख लीजिए। तो खाली जब पूरा लग जाए तो फिर से डिज़ाइन लगा के बनाएंगे, बाकी धीरे धीरे सब स्टॉल लग जाएगा। चलिए आपको डिज़ाइन घुमाते हैं। प्यारे तो बुक वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। मेन तो डिनर लेके चलेंगे, आइसक्रीम है यहाँ पर खाने के लिए है। यहाँ पर से आप लोग का इस साइड से एंट्री था और आगे से वहाँ से एग्जिट हो। यहाँ पर देखिएगा आइसक्रीम का है दोस्तों, गर्मी आ गई है तो आइसक्रीम पानी से चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। मेन डिनर आपको घुमाते हैं, ये देखिए ये वाला झूला देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया 40 रुपये का। अपना हेलीकॉप्टर में बैठा के बच्चों को घुमाइए, गोल घूमते रहेगा। इस तरह से बहुत सारा झूला है, यहाँ पर भी झूला है। पूछ लेंगे प्राइस कितना है इसका, चार्ज 30-40। अच्छा 40 रुपये का, ये देखिए आपका बना हुआ ट्रेन वाला, ट्रेन वाले में से गोल गोल घुमाइए, ये सब बच्चों के लिए। और भी झूला आपको दिखाते हैं, बहुत सारा लगना बाकी है। पानी वाला भी है, पानी में दिखा देते हैं, पानी में बोटिंग करिए। बाकी यहाँ पर जो अपना स्टोर धीरे धीरे खुलते जाएगा इंस्टॉल वगैरह, ये आप लोग का बोटिंग वाला देखिए, बच्ची बोटिंग कर रही है। आज से खुला ही इसलिए भीड़ नहीं दिख रहा हो, अगले दिन से आएगा तो बहुत भीड़ दिखेगा। संडे को मिलेंगे ज़्यादा दिखेगा, फैमिली वाले छुट्टी हो तो बच्चों को लेकर आ जाते हैं। ये बोटिंग वाला जो बच्चों को आप लोग देख रहे हैं, इसका आपको 50 रुपये आपको लगने वाला। चलिए और झूला दिखाते हैं, ड्रैगन वाला भी है। ड्रैगन वाला आई थिंक 2 है, यहाँ पर और वहाँ पर है, देख लीजिए। ये ड्रैगन वाला झूला है, ये सबसे फेवरेट यही मेरा है, मेरे को उस पर डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसका प्राइस पता कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर कूदने वाला भी और झूला आप लोग देख सकते हैं, सब 50 रुपये के साथ। जंपिंग वाला देख रहे हैं बच्चों के लिए, खासकर बड़ों के इसमें अलाउ नहीं है, आपको 30 रुपये केवल लगने वाला है। झूलते रहिए जितने देर झूला है। चलिए और झूला चल के आपको दिखाते हैं, 30-40 रुपये वही मैक्सिमम पर जाने वाला है बच्चों वाला झूला। रेल वाला जो है भी 40 रुपये लिखा हुआ, ये भी आपका 40 रुपये रहेगा। उस साइड दिखाए थे वही वाला, यहाँ पर 2 बार ये वाला झूला आप लोग दे सकते हैं 40 रुपये का। भीड़ दिखाई धीरे धीरे, खाने के लिए चाट वगैरह भी देखिए लग रहा है। और सबसे यूनिक चीज़ ये लगने वाला है देखिए, बुकिंग 3D शो पहली बार देख लीजिए, 3D शो फर्स्ट टाइम इन योर सिटी, साउथ अफ्रीकन बिग बी। इसका तो अलग से ब्लॉग बनाएंगे, अभी क्या पता नहीं, अभी तो लग ही रहा है, देख सकते हैं इससे काम चल रहा है। बच्चों वाला जंपिंग वाला दे सकते हैं, ऊपर नीचे कूदना, ये 50 रुपये का है देख लीजिए। मतलब जो भी बच्चों वाला भी झूला दिखा रहे 50 रुपये का, अभी इन सब रेट पता करें। पाटलिपुत्र में लग गया दोस्तों डिज्नीलैंड, जी हाँ अभी रहने वाला पूरा 1 महीने तक, मेरे को लग रहा है मई तक पूरा रहेगा। गर्मी छुट्टी जब तक आके बच्चों लोग पूरा इन्जॉय करिएगा फैमिली के साथ, और संडे को ज़्यादा आपको भीड़ दिखेगा। अभी इसका उद्घाटन नहीं हो, इसलिए आपको खाली खाली दिख रहा होगा, कल परसों जाइएगा तो बहुत भीड़ आपको दिखने वाला। ये देखिए बेली डांस दोस्तों झूला है, ये 80 रुपये का पर पर्सन, 80 रुपये का एक आदमी से झूल पाइएगा। और भी ये दिखा देते हैं, ये सबसे खतरनाक झूला भाई देख लीजिए, पूरा 360 ऐसे घुमा देता है। स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका पूछ लेंगे कितने का है। ये लीजिए 100 रुपये का झूला, ये पर पर्सन 100 रुपये लगने वाला है। इसके पहले जो झूला देखा 80 रुपये का था, ये आपका 100 रुपये लगने वाला है। उल्टा पुलटा कुछ झूला कर रहा है, पूरा 360 ऐसे घुमा दिया जाएगा, इसमें पूरा बैठा दिया जाएगा। जो बच्चे को अलाउ नहीं है, 18+ ही कुछ मिलने वाला है, काफी डेंजर झूला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और ये देख लीजिए जेंट्स और लेडीज के यहाँ पर देखिए वॉशरूम भी बना हुआ है, टॉयलेट भी यहाँ पर है देख लीजिए। दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं ये भी 100 रुपये का देख लीजिए, मतलब मैक्सिमम जो झूला 80 या 100 रुपये जा रहा है बड़ा वो का। आप लोग देख रहे हैं देख लीजिए जॉइंट व्हील है, काफी बड़ा भाई यहाँ पर लगा गया, एक ही जॉइंट व्हील, 2 तो नहीं है बस एक ही है। आप लोग ये इन्जॉय करिए,
ये टोरा टोरा इसी को बोलते हैं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका भी पूछ लेते हैं रेट कितना है। इंजीनियर में दोस्तों आएगा तो बहुत सारा आपको झूला मिलने वाला है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। 40 रुपया से मिनिमम आपका स्टार्टिंग होने वाला है, 100 रुपया 80 रुपया जाने वाला है बड़ा झूला। ये वाला दोस्तों जो झूला देख रहे हैं गोल गोल ऐसे घुमाया जाएगा, ऊपर उड़ने भी लगता है, टोरा टोरा साइज इसको बोलते हैं। ये आपका 80 रुपये लगने वाला है, बाकी जानवेल का 100 रुपये लग रहा था, ये तो वो 80 रुपये का। ये बोटी वाला देख लेते, ये देखिए बोट वाला ऊपर नीचे हो रहा, वो काफ़ी बड़ा भाई, ये छोटा नहीं बड़ा है, इसका चार्ज पूछ लेते कितना लग रहा है। ये झूला भी आप लोग जो देख रहे हो दोस्तों, ये भी 80 रुपये का बोट वाला, ऊपर नीचे जो हो रहा है ड्रैगन से बना हुआ है, ये भी 80 रुपये का। तो जितना भी दोस्तों अभी झूला आप लोग दिखा रहे थे 100 रुपये 80 रुपये आपका जाने वाला मिनिमम, समझिए 100 रुपये के अंदर आप लोग झूला एक झूल पाइएगा, लेकिन पर पर्सन आपका लगने वाला है। ओ भाई ये तो ऑक्टोपस झूला है, नाम है ऑक्टोपस वाला झूला ही है, देख लीजिए ये काफ़ी शानदार मजा आपको आने वाला है। मैं भी इसमें झूलूंगा कभी, फिर आके इसका ब्लॉग बनाएंगे अच्छा पूरा, जब पूरा डिजाइन लग जाएगा तो इसका चार्ज पूछ लेते हैं। झूला तो बहुत सारा लगा हुआ, आप लोग भैया पटना पाटलिपुत्र मैदान में डिजिटल में झूले हैं पूरा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कार का पार्किंग हो, बाइक का पार्किंग हो, स्कूटी का पार्किंग हो, कोई भी टेंशन नहीं लगने वाला। चलिए दोस्तों यहाँ से फाली निकलेंगे, पूरा झूला जितना सबका प्राइस आपको बता दिया, फिर से ब्लॉग लेकर आएंगे जब पूरा तरह से डिजाइन लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया आज ही लगा, इसलिए उतना भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा, उतना रस नहीं दिख रहा होगा, बट कुछ दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम लगता है ठंडा में लगा था, उसके बाद आपको गर्मी भी लग रहा है, और गर्मी छुट्टी होगा तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा जब बच्चों का छुट्टी हो जाएगा, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग और थोड़ा लू चलता है तो दोपहर में लोग तो नहीं आएंगे, तो दिल्ली आने का सोच रहे हैं पाटलिपुत्र मैदान में, तो आप लोग 5 बजे के बाद ही आइएगा या फिर 6 बजे के बाद आइएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा होने वाला, गर्मी जाना ही लगे। और लू दोस्तों बहुत ज़्यादा चल रहा है, देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा इंडिया एकदम हॉट हो चुका है, तो आप लोग बिना मतलब में दोपहर में मत निकलिएगा भाई, मेरे को तो ब्लॉगर उसे निकलना पड़ जाता है, बट आप लोग की सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ आप लोग मत निकलिएगा, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिएगा, और पानी लेकर हमेशा निकलिए। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, लू बहुत ज़्यादा है, फिर से बोलेंगे सेफ्टी के लिए आप लोग ऐसे मत निकलिएगा दोपहर का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के स्कूल तो जाना पड़ा, गर्मी छुट्टी भी देखिए हो ही जाएगा, मैं आने ही वाला है, तो डिजनीलैंड आप लोग आने का सोच रहे हैं तो 6 बजे के बाद ही आइएगा, थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, शाम के टाइम थोड़ा ठंड ठंडा हवा चलता है, ऐसा तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा का एहसास भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप लोग को सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों तो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, फिर से ब्लॉग लेकर आए हैं जब पूरा डिजनीलैंड लग जाएगा, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।